नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज हम देखने वाले एक सबसे खतरनाक रोग जो है सभी लोग त्रस्त है, आप वो लोग भी बहुत त्रस्त है। मुझे इंस्टाग्राम पे किसान भाइयों ने कुछ फोटो भेजे, फेसबुक पे फोटो भेजे, उसमें मैंने देखा कि ये रोग सभी लोगों को त्रस्त कर रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही अहम खतरनाक, एकदम फसल को तहस नहस कर देता है और छोटे स्टेज में फसल को तहस नहस करता है। तो आज हम बात करने वाले कॉलर रॉट के बारे में। दोस्तों इसको डंपिंग ऑफ भी कहते हैं। आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि कॉलर रॉट है क्या। तो यहाँ पे ये पौधा देख सकते हैं, हमारा ये पॉलीहाउस का प्लांटेशन हो चुका है। तो ये पौधा देखिए यहाँ पे नीचे जड़ों पे क्या हुआ है कि ये यहाँ पे सूख गया है स्टेम पे, और नीचे यहाँ इसके रूट से हम लोगों ने लगाया। अब ये 10 दिन का पौधा है और ये देखिए ये पौधा कितना हेल्दी है। ये देखिए ऊपर से इसका स्प्राउटिंग हुआ है अच्छे से। ये देखिए ये पौधा, देखिए ये पौधा, देखिए साइड वाले पूरे, बाकी सब तो सही है लेकिन ये वाला पौधा देखिए। तो दोस्तों कॉलर रॉट यानी पी क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग पौधा लगाते हैं उसके स्टेम पे जो है पौधा, मतलब चमड़ी जो है उसकी निकल जाती है और पौधा वहाँ पे गिरने लगता है, सूख के गिर जाता है, उसको कहते हैं डंपिंग ऑफ। तो ये एक फ्यूजेरम नाम की एक फंगल होता है, उसको जोंदोनामस भी कहते हैं, ये इसको लागू हो जाता है, उसको ग्रस्त हो जाता है और पौधे के ऊपर प्रकोप कर देता है, पौधा मर जाता है। और दोस्तों सबसे खतरनाक चीज़ क्या है कि पौधा जब हम लगाते हैं, मैं एक राज की बात बताता हूँ आपको, 6-7 दिन कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छा पौधा निकलेगा उकलेगा। जब रूट जोन काम करने लगता है तो वो बुरशी जो है, वो फंगस जो है पौधे के स्टेम पे आ जाता है, वहाँ पे खा जाता है कॉलर पे। जैसे हमारी ये कॉलर रहती है, जैसे पौधे की ये कॉलर रहती है, देखिए यहाँ पे इसको कॉलर कहते हैं, तो कॉलर रॉट यहीं पे आता है। तो यहाँ पे ये खा जाता है और मर जाता है। बराबर ये 8वें 9वें 10वें दिन में स्टार्ट होता है, तो इसके लिए हम लोगों को पहले ही प्रिवेंटिव काम करना पड़ता है। दोस्तों तो इसको पहचाना कैसे जाता है, जैसे कि आपका पूरा ये देख सकते हैं मेरा पॉली हाउस है, यहाँ पे मैंने इंडस वायरेटिक 3500 पौधे लगाए हैं। तो ये जब आप लगाते हैं तो 6-7 दिन बाद क्या होता है कि आपको कहीं 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 ऐसे पौधे ऊपर से सूखे मिलेंगे। ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बड़ा कॉलर रॉट दिखाया, लेकिन कभी कभी ऐसे सूख जाते हैं। तो इसको समझ जाइए कि आप ये कॉलर रॉट है, ना कि कोई इंसेक्ट है, ना तो कोई पेस्ट है, ना तो कोई कीड़ा है आपके अंदर से खा रहा है, ना तो कोई फंगल है। ये ऊपर से सूखने लगेगा तो समझ जाइए कॉलर रॉट है 100%, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको इस तरीके से पहचाना जाता है। तो इसमें दो, जैसे कि मैंने बताया, जोंदोनामस और फ्यूजेरम नाम के रहता है, इसके अलावा भी कुछ और भी बैक्टीरियल विल्ट वगैरह आता है। तो दोस्तों ये फंगस जो है बैक्टीरियल फंगस इसको कहा जाता है। तो इसको तो हम लोगों ने पहचानना तो सीख लिया दोस्तों, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, इसको ऊपर रोकथाम करना। तो ये आए ना, इसके लिए पहले मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, कल्चरल प्रैक्टिस। सबसे पहले तो हम लोग ज़मीन में जब प्लाव चलाते, प्लाव चला के ज़मीन को काफ़ी दिन तक जो है धूप में रखना है, उसके वजह से क्या जाता है, इस जैसे बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। उसके बाद हम लोग जब प्लांटेशन करते हैं, जैसे हमारे ये पौधे देखिए, हम लोगों ने इधर मल्चिंग नहीं बिछा है, तो ये प्लांटेशन जब हो जाता है तो तुरंत हम लोगों को क्या है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है। हम अगर पानी ज़्यादा देने लगे तो वहाँ पे क्या होगा कि पानी की वजह से फिर वो बुरशी फंगस जो है बढ़ने लगेगा और वहाँ पे सड़न लगने लगेगी और पौधा जो है फिर डंपिंग हो जाएगा। तो पानी ज़्यादा नहीं देना है सबसे पहली बात, इरिगेशन ड्रिप से थोड़ा थोड़ा पानी देना है। सबसे बेहतर रहेगा कि आप 15 से 20 दिन जो है केवल पंप से थोड़ा थोड़ा ड्रेंचिंग करिए, जैसे हम करते हैं। ड्रेंचिंग का मैं शेड्यूल इस प्लॉट में अभी जल्दी ही लेके आऊँगा। तो कॉलर रॉट को प्रिवेंटिव ये चीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैं ऑर्गेनिक तरीका आपको बताता हूँ, पौधा लगा देने के बाद तुरंत जो है एक ट्राइकोडर्मा नाम की दवा आती है, उसके साथ साथ दोस्तों सुडोमोनस नाम की दवा आती है। ट्राइकोडर्मा 5 मिली के हिसाब से आप प्रति पौधे को 50-50 मिली पानी देंगे तो वहाँ पर रोकथाम हो जाएगा। उसके बाद सुडोमोनस का भी वही हाल है, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, बहुत ही रहेगा बेहतर ज़मीन के लिए। और उसके बाद आप जब दोस्तों फसल लगाते हैं, लगाने से पहले जब बेड़ भिगो देते हैं तब सॉइल फ्यूमिगेशन भी कीजिए, आपके फसल में ज़्यादा कॉलर रॉट वगैरह हमेशा आता है तो अच्छा रहेगा। और एक ही फसल को बार बार एक ही बेड़ पे मत लीजिए, बेड़ को फोड़ दीजिए फिर दूसरी फसल लीजिए। अगर क्रॉप चेंजिंग रहेगी तो आपके बेहतर, मतलब ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना सॉइल की हेल्थ अपनी सॉइल की हेल्थ जितनी अच्छी रखेंगे दोस्तों उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपकी जो है ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ ऑर्गेनिक तरीका, लेकिन एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पे पौधा लगाते समय दोस्तों क्या ध्यान देना है कि ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं गाड़ देना है। ये देखिए पौधा यहाँ तक लगा था तो यहाँ से पूरा ये खा गया, ये देखिए ये पूरा सड़ गया, ये देखिए यहाँ से। और फिर दूसरा पौधा यहाँ पे अगर लगाना हो तो इसमें मत लगाइए, इसके साइड में बाजू छेद कर दीजिए और यहाँ पे इस साइड में लगाइए, क्योंकि यहाँ पे वो जो फंगल है तुरंत इसके ऊपर फिर से दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे लगा दीजिए। अब दोस्तों मैं एक चीज़ अब बताता हूँ आपको, यहाँ पे फंजीसाइड से कैसे रोकथाम करना है। जैसे कि आप पौधा लगा देते हैं तो उसके बाद आप तुरंत आप एक काम कीजिए, आप बावेस्टिन नाम की दवा आती है, बावेस्टिन नाम की दवा आती है वो आप लीजिए, उसमें आप ह्यूमिक एसिड वगैरह मिक्स करना तो कर सकते हैं।
लेकिन मत कीजिए, केवल प्लेन दीजिए। बायोस्टिन का आप ड्रेंचिंग दीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आपका 1 एकड़ का प्लॉट है तो आपको 400 से 600 लीटर पानी मुझे मेरे हिसाब से लगेगा, अगर 50-50 मिली के हिसाब से देते। पौधे के हिसाब से डिपेंड करता है आपको कितना पानी देना है। उसके बाद दोस्तों, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनस तो मैंने बताया है, वो तो घुमा फिरा के हर महीने में एक बार आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी सॉइल की हेल्थ अच्छी रहेगी। उसके बाद दोस्तों, आप कैप्टन का ड्रिंचिंग लीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि बैक्टीरियल विल्ट है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये मतलब बैक्टीरियल फंगस है, इसके लिए आपको स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का यूज़ करना पड़ता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप स्ट्रिप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन लीजिए और कैप्टन और बायोस्टिन अलग अलग लीजिए। तो इसके वजह से स्ट्रिप्टो और कॉपर आप लेंगे तो इसके वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है फंगल वो मर जाएगा वहाँ पे। ये तो हो गया। इसके बाद दोस्तों, कुछ ऑर्गेनिक दवाइयाँ में, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ केलॉक मिलती है, बीपी छान भी मिलता है, तो आपके यहाँ नहीं मिलता होगा, कुछ अलग नाम से होगा। देखिए, जो ऑर्गेनिक दवाइयाँ होती है दोस्तों, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से आती है। कंटेंट उसमें एक ही, ऑर्गेनिक का थोड़ा एक ही रहता है लेकिन नाम अलग रहते हैं। तो आप ढूंढिए थोड़ा सा कि कॉलर रॉट के ऊपर क्या दवा है, लेकिन ज़रूर डालिए प्रिवेंटिव। अगर आप फसल लगा रहे हैं और प्रिवेंटिव दवा कॉलर रॉट की नहीं डाल रहे, तो 40-50% आपकी ज़मीन ज़रूर ये पौधा ख़राब करेगा। अगर 10,000 पौधा लगा रहे तो 4,000 पौधा ख़राब करना ही करना है। बहुत ही महाखतरनाक रोग है। एक किसान भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजी थी कि उसके टोमेटो फसल पे पूरा नीचे से लग गया। वेजिटेबल कोई भी आप फसल लगाते हैं, चाहे टोमेटो हो, चाहे तो शिमला हो, ये नहीं, वो कोई भी A to Z में कोई भी फसल हो, बैक्टीरियल ये जो फंगल है, जो फिजीरम जंतु नाम, ये ज़मीन में रहता है, ये आता ही आता है ऊपर। तो सॉइल की हेल्थ आपको सही रखनी है, प्रिवेंटिव काम करना है, फ्लड इरीगेशन कम देना है। टोटली आप अगर अच्छे से यहाँ पे मेंटेन जजमेंट लगा के इरीगेशन का, स्प्रेइंग का, ड्रेंचिंग का रखेंगे तो आपकी फसल बहुत ही बेहतर आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की कॉलर रॉट के बारे में। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। और आज का वीडियो कैसे लगा बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।